Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Pritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this topic, we are going to discuss about construction, working and necessity requirement of front axle. तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स के बारे में देखा ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम के, हम लोगों ने क्लच से शुरुआत की थी, गियर बॉक्स हम लोगों ने देखा, प्रोपेलर शाफ्ट देखी और फिर फाइनल ड्राइव का कंस्ट्रक्शन हमने देखा। फाइनल ड्राइव का जो बेसिक फंक्शन है वो है कि पावर को ट्रांसमिट करता है, प्रोपेलर शाफ्ट से कलेक्ट करता है और उसके बाद रेयर व्हील्स को या फिर फ्रंट व्हील्स को या ड्राइविंग व्हील्स को ट्रांसमिट करता है, यानी एक्सेल को ट्रांसफर करता है। व्हील जो होते हैं वो एक्सेल पे लगे होते हैं, तो एक्सेल का जो काम है वो है पावर रिसीव करना और व्हील तक प्रोवाइड करना, यानी व्हीकल को चलाने का काम जो है वो एक्सेल के बिना असंभव है। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सेल के बारे में देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रंट एक्सेल के बारे में बात करेंगे और एक इसके पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे रेयर एक्सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग आउटकम इस वीडियो लेक्चर के। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू सिलेक्ट द सुटेबल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सेल के बारे में बात करेंगे और कंडीशन के हिसाब से कौन सी कंडीशन में कौन से टाइप का एक्सेल आपने सिलेक्ट करना है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। सो दैट विल बी अवर फर्स्ट आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है वो है राइट द फंक्शंस ऑफ फ्रंट एक्सेल। तो हम फ्रंट एक्सेल के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टब एक्सेल की, जो कि एक फ्रंट एक्सेल का ही कंपोनेंट होता है। सो दिस इज द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। पहले बात कर लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग की। तो यहाँ पर हम लोग पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पावर किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए पीओ वन मैप कर रहे हैं, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन कंडीशंस के बारे में बात करना, डिस्कस करना, सीखना इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज। तो इसीलिए पीओ वन मैप किया है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने पीओ फोर मैप किया है यहाँ पर, साथ ही साथ हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ सेवन मैप किया और इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने पीएसओ टू मैप किया हुआ है। तो दिस इज द रियल लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो बेसिकली एक्सेल इज अ सेंट्रल शाफ्ट फॉर अ रोटेटिंग व्हील और गियर। तो किसी भी व्हील को जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है, जब भी व्हील होता है व्हील रोटेट होता है और व्हील जहां पर लगा होता है, जिस शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है उस शाफ्ट को हम लोग एक्सेल बोलते हैं। देन अ व्हील्ड व्हीकल द एक्सेल मे बी फिक्स्ड टू द व्हील्स रोटेटिंग विद देम और अटैच्ड विद सराउंडिंग विद द व्हील रोटेटिंग अराउंड द एक्सेल। तो एक्सेल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, कभी एक्सेल व्हील के साथ में घूमेगा या फिर कहीं पर व्हील को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रहेगा, यानी एक्सेल रोटेट नहीं होगा, सिर्फ व्हील रोटेट होगा। तो ऐसी दो कंडीशन होती है। अगर आपकी व्हील ड्राइविंग व्हील है तो वो एक्सेल उनको पावर ट्रांसमिट होगा, यानी एक्सेल रिवॉल्व व्हील रहेगा और वो आपके व्हील को घुमाएगा। तो उस कंडीशन में एक्सेल और व्हील दोनों रोटेटिंग रहेंगे। कभी कभी ये कंडीशन हो सकती है कि आपका जो एक्सेल है उस पर पावर ट्रांसमिशन नहीं होता, यानी वो ड्राइविंग व्हील नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में जो पावर आपका एक्सेल है वो स्टेशनरी रहेगा और आपके व्हील रोटेट होंगे। तो ये कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले वाले जो केस में हमने देखा कि बेयरिंग और बुशेस के थ्रू एक्सेल सपोर्ट किया जाता है जो जब वो ड्राइविंग नहीं रहेगा। Then for car and trucks, the shaft itself rotates with the wheel being bolted and inclined to fixed relation to it, and this is called as axle or axle shaft. So जब axle घूम रहा है, तो वो इस condition में होता है। तो ये आगे किस तरह से काम करता है हम लोग discuss करेंगे।
नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स क्लासिफाई द एक्सेल। तो एक्सेल का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, एक्सेल के टाइप क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोकेशन के हिसाब से एक्सेल हो सकता है। किसी भी कार में या ट्रक में या कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में दो एक्सेल होते हैं और वो उसकी लोकेशन के हिसाब से डिसाइड किए जा सकते हैं। तो जो सामने रहता है उसको फ्रंट एक्सेल बोलते हैं और एक होता है रेयर एक्सेल। तो ये तो बेसिक चीज है जो आपको हमेशा समझ में आती है। दूसरा, फंक्शन के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जा सके तो अगेन एक्सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाइव एक्सेल जिसको हम लोग ड्राइव एक्सेल भी बोल सकते हैं। तो लाइव एक्सेल वो है जिसके अंदर पावर सप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर पावर आ रहा है और वो घूम रहा है, पावर घूम रहा है, पावर मिल रहा है और वो फिर ट्रांसमिट कर रहा है आपके व्हीकल को, इसीलिए इसको लाइव एक्सेल बोला जाता है। और जब व्हील में पावर नहीं होता, पावर ड्राइविंग व्हील नहीं होते तो उसको बोलते हैं डेड एक्सेल। ये सिर्फ सपोर्ट करने के काम में आता है, घूमता तब भी है पर वो सिर्फ सपोर्टिंग के काम है, उसके अंदर पावर नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ लेआउट जो हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव में फ्रंट एक्सेल लाइव एक्सेल होगा, रेयर एक्सेल डेड एक्सेल होगा, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव में रेयर एक्सेल लाइव एक्सेल होगा, फ्रंट एक्सेल डेड एक्सेल होगा, और सिमिलरली रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव में रेयर एक्सेल ड्राइविंग रहेगा, फ्रंट एक्सेल डेड एक्सेल रहेगा और 4x4 में दोनों एक्सेल ड्राइविंग एक्सेल होंगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेल। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल के कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो फ्रंट एक्सेल का जनरल कंस्ट्रक्शन अगर आप देखा जाए तो इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए ये एक्सेल होता है आपका, ये फ्रंट एक्सेल है। यहाँ ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यहाँ का जो सेक्शन बी भी है ये आई सेक्शन में बना हुआ होता है, और इधर का कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो वो इलिप्टिकल होता है। और इसके एंड में यहाँ पर आपके एक्सेल के यहाँ कनेक्शन इस तरह से दिए भी होते हैं। यहाँ पर ये दो डॉट होल्स दिए रहते हैं जिसके अंदर स्टब एक्सेल फिट होता है। तो फ्रंट एक्सेल इज एन एक्सेल ओवर विच द फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड। ये यहाँ पे आपको स्प्रिंग की सीट दिखाई दे रही होगी, यहाँ आपके सस्पेंशन को फिट किया जाता है, सस्पेंशन यहाँ से फिट हो गए और यहाँ पर आपके व्हीकल की बॉडी सस्पेंशन के ऊपर इस तरह से कनेक्ट होती है। सो दिस इज द प्लेस फॉर सस्पेंशन। तो फ्रंट एक्सल इस तरह से बनता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द व्हीकल में फ्रंट एक्सल का कंस्ट्रक्शन इस तरह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से लोड आते हैं वो यहाँ पे इस तरह से बनता है। अ पार्ट ऑफ द व्हील वेट ऑफ द व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू दिस एक्सल। तो क्या होता है कि आपके व्हीकल का 50% जो वेट होता है वो यहाँ पर आता है, लेकिन जब आप ब्रेक मारते हैं तो पूरा का पूरा वेट सामने की ओर ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए फ्रंट एक्सल के ऊपर लोड ज्यादा आता है, और फ्रंट एक्सल पे लोड ज्यादा आने की वजह से इसके बेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये कंडीशन यहाँ का जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है ये आई सेक्शन से बना हुआ होता है, बिकॉज आई सेक्शन इज वेरी गुड इन हैंडलिंग द बेंडिंग स्ट्रेस। सिमिलरली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस जगह पे कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो इलिप्टिकल सेक्शन होता है। इलिप्टिकल सेक्शन होने की वजह से यहाँ पर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है बेंडिंग और थ्रस्ट लोड को हैंडल करने के लिए। नाउ इट इज मेड ऑफ आई सेक्शन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और इलिप्टिकल सेक्शन क्यों यूज किया है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये क्यों होता है, ये बेंडिंग लोड और टॉर्क को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो यहाँ पे फोर्स आता है जो इसकी वजह से ये बेंड हो सकता है, थ्रस्ट आता है, ड्राइविंग थ्रस्ट आता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। सो ये था फ्रंट एक्सेल का कंस्ट्रक्शन। नाउ फ्रंट एक्सेल के फंक्शंस देख लेते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से हमने अगर अभी डिस्कस किया था ये उसी तरह से दिखाई दे रहा है, जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा है वैसा ही पिक्चर है। तो ये देखिए ये जो सेंटर पार्ट होता है ये आई सेक्शन का बना हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आई सेक्शन का है। ये वाला जो पार्ट है ये आगे भी उसी तरह से है लेकिन ये इलिप्टिकल हो सकता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। फ्रंट एक्सेल का कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है कि इट कैरी द वेट ऑफ फ्रंट एंड ऑफ व्हीकल। तो फ्रंट एंड में जो वेट आता है व्हीकल का वो कैरी करने का इसका काम है। इट प्रोवाइड माउंटिंग्स फॉर स्टब एक्सेल। तो देखिए स्टब एक्सेल के लिए माउंटिंग प्रोवाइड करना, हमने अभी पिछले इसमें देखा था तो एक्सेल के यहीं तक देखा था हम लोगों ने, तो फ्रंट एक्सेल का टाइप था। पर यहाँ पे जगह प्रोवाइड किए तो मैंने बोला था कि यहाँ पर होल्स रहते हैं, तो ये जो होल रहते हैं यहाँ पर ये इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है स्टब एक्सेल फिट किया हुआ है। तो स्टब एक्सेल को फिट करने की जगह प्रोवाइड करने का काम फ्रंट
फ्रंट एक्सेल का होता है, और ये कंस्ट्रक्शन इसलिए इसलिए किया जाता है ऐसा, क्योंकि फ्रंट एक्सेल के ऊपर स्टेयरिंग माउंट होता है, यानी व्हीकल को कनेक्ट करना, कंट्रोल करने का काम फ्रंट एक्सेल का होता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रंट एक्सेल पे स्टेयरिंग माउंट होती है, तो इसलिए स्टब एक्सेल साथ में कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसीलिए फ्रंट एक्सेल में स्टब एक्सेल, किंग पिन और स्टेयरिंग आर्म को जगह देने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपके स्टब एक्सेल लगे हैं, उसके बाद में ये है आपका स्टेयरिंग आर्म है। तो ये जो स्टेयरिंग आर्म है, ये स्टेयरिंग आर्म आपका, ये यहाँ पे किंग पिन लगी हुई है, ये जो पिन दिखाई दे रही है यहाँ पर या ये इधर, ये किंग पिन है। तो ये स्टेयरिंग सिस्टम के काम काम करने के लिए होती है। देन इट ट्रांसमिट पावर टू फ्रंट व्हील इन केस ऑफ फ्रंट व्हील इज ड्राइव व्हील। फ्रंट व्हील अगर ड्राइव व्हील रहेगा तो एक्सल का काम क्या है, पावर भी ट्रांसमिट करने का काम होगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसएक्सल लगा हुआ जिससे डायरेक्टली पावर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, और सबसे जरूरी काम इट कैरीज द फ्रंट व्हील। तो ये यहाँ पे आपका फ्रंट व्हील लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका जो है व्हील लगेगा जिसके ऊपर पूरा व्हील फिट होता है। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होता है फ्रंट एक्सल का। तो अभी देखते हैं कि स्टब एक्सल क्या होता है। स्टब एक्सल बेसिकली एक सब असेंबली है फ्रंट एक्सल की। तो फ्रंट एक्सल का ही एक सिंगल पार्ट है जिसको हम स्टब एक्सल बोलते हैं, और इसमें काम क्या होता है, इसके ऊपर आपका व्हील माउंट होता है। तो योर रोड व्हील इज माउंटेड ऑन अ स्टब एक्सल। तो स्टब एक्सल क्या होता है, स्टब एक्सल आगे कनेक्टेड होता है फ्रंट एक्सल की किंग पिन के साथ में। तो देखिए, ये आपका फ्रंट एक्सल है, यहाँ की किंग पिन से ये कनेक्ट होता है, यानी ये जो स्टब एक्सल है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, और इसको फिट करने के बाद इन होल से, ये होल से हम एक किंग पिन को इंसर्ट करेंगे और इस एक्सल से इसको फिट कर देंगे। तो किंग पिन पे फिट करने का फायदा क्या होता है कि ये टर्न हो सकता है। सो दैट दिस स्टब एक्सल ऑल्सो टर्न अबाउट द किंग पिन विच इज लाइट ड्राइव फिट इन द एक्सल बीम आई लोकेटेड एंड लॉक्ड बाय द टेपर क्वार्टर पिन। तो ये यहाँ पे फिट करने के बाद में ये यहाँ से क्वार्टर पिन से फिट किया जाता है, लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ व्हील माउंट करने की जगह होती है। तो यहाँ पे व्हील माउंट होता है, ये नट भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपका व्हील ड्रम आएगा, व्हील का जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ पे फिट होगा बेयरिंग के साथ में, और फिर उसके ऊपर आपका यहाँ से नट टाइट करके आपका व्हील इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन स्टब एक्सल का। तो ये देखते हैं स्टब एक्सल के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टब एक्सल के चार टाइप होते हैं, इलियट, रिवर्स इलियट, लेमिनिन और रिवर्स लेमिनिन टाइप का। तो ये जो आपको पहला टाइप यहाँ पे दिखाया है इलियट टाइप का, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक्सल है, ये एक्सल का पार्ट है, और यहाँ पे ये आपका फ्रंट एक्सल यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, और ये फ्रंट एक्सल का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ये चेंज हो जाएगा और ये आपका स्टब एक्सल यहाँ पे फिट होता है। तो यहाँ पे स्टब एक्सल फिट होगा, ऊपर से किंग पिन लगी जाएगी। तो ये पहला इलियट टाइप होता है। दूसरा होता है यहाँ पे रिवर्स इलियट टाइप, यहाँ पे देखिए सेंटर में लगता है और ऊपर से क्वार्टर पिन लगती है, एक थ्रस्ट वॉशर यहाँ पे लगेगा। हर जगह पे थ्रस्ट वॉशर जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर जो थ्रस्ट आते हैं ब्रेकिंग थ्रस्ट वगैरह, उनको हैंडल करने के लिए इस टाइप से क्लच होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, या तो ये आपका सेंटर में रहेगा या फिर ऊपर से इसके ऊपर फिट होगा। तो ये वाला जो टाइप है, यहाँ पे स्टेप एक्सेल ऊपर से आके यहाँ पे फिट होने वाला है, इस तरह से दिखाई देगा आपको, और ये कंडीशन आ जाती है। तो ये रिवर्स इलियट टाइप यहाँ पे फिट हो जाता है। दूसरा जो रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा चेंज, और उस हिसाब से ये फिट होता है। सो दिस इज द इलियट टाइप। दूसरा जो देखेंगे लेमिनिन टाइप में, लेमिनिन टाइप में क्या होता है कि जो आपका फ्रंट एक्सल रहता है ये कंस्ट्रक्शन इधर है, तो यहाँ पे थ्रस्ट वॉशर लगेगा और ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ ये फिट होने के बाद में यहाँ पर आपका व्हील लगता है। तो इसको यहाँ से एक कनेक्शन और रहता है जिस तरह से आप स्टेयरिंग से यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये होता है आपका इलियट लेमिनिन टाइप, यानी ये वाला जो टाइप है ये यहाँ पे इस तरह से फिट होगा। आखिरी वाला, ये वाला जो टाइप अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से फिट होता है, यानी कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा और ये इस तरह से फिट होता है, यहाँ सामने में एक्सटेंडेड पार्ट होके ये
यहाँ आपका ये व्हील माउंट होता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर्स लेमोनिन टाइप। तो इस तरह से आपके स्टब एक्सल जो होते हैं वो यहाँ फिट किए जाते हैं। स्टब एक्सल का काम क्या है? व्हील को प्रोवाइड करना, स्टेयरिंग के लिए लिंकेजेस देना, और ये सब असेंबली है आपके फ्रंट एक्सल की। तो फ्रंट एक्सल में कंस्ट्रक्शन हमेशा स्टब एक्सल के साथ में ही होता है, क्योंकि वहां पे स्टेयरिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि फ्रंट एक्सल कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और उसके फंक्शंस हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टब एक्सल देखे। तो स्टब एक्सल के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर ऑन स्टब एक्सल। तो साथ ही साथ देख लेते हैं पीओ कौन से मैप किए हम लोगों ने। तो सबसे पहले बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज पीओ मैप किया हमने। इंजीनियरिंग टूल, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस पीओ4 मैप किया हम लोगों ने। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम लोगों ने मैप किया, और PSO2 मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट भी मैप किया है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ फ्रंट एक्सल। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग रियर एक्सल के बारे में बात करेंगे कि रियर एक्सल का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है। देन कीप लर्निंग। थैंक यू।